वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे पर वन बीट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भीरा में फार्मेसिस्ट छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। आज दिनांक 25/9/2021 को वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे के मौके पर वन बीट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ने फार्मेसी के छात्र छात्राओं ने रैली का आयोजन किया, जिसको फार्मेसिस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वजीत दास और नर्सिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल संतोष एसयू ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें विश्वजीत दास द्वारा फार्मेसिस्ट के स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसिस्ट का के कार्य को विस्तार में बताया। जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम में प्रशांत सिंह कुश, विश्वास सिद्धार्थ, वाजपेयी, प्रशांत पांडे, जसबीर सिंह जोशी आदि स्टाफ मौजूद रहे। रिपोर्टर प्रशांत पांडे, क्राइम ब्यूरो चीफ, पीलीभीत। आपके सामने बनवीट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वजीत द्वारा आपको बताया जाएगा कि नेशनल फार्मासिस्ट डे पर आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अच्छा, वर्ल्ड नेशनल फार्मासिस्ट डे वी आर ऑब्जर्विंग ऑन 25 सितंबर ईच एंड एवरी ईयर। दिस इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। नॉट ओनली इंडिया पीपल वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फार्मासिस्ट डे, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, नॉट ओनली एनी स्टेट ऑफ इंडिया वी आर सेलिब्रेटिंग फार्मासिस्ट डे। दिस इज ग्लोबली वी आर सेलिब्रेटिंग फार्मासिस्ट डे अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द फार्मासी प्रोफेशनल वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फार्मासिस्ट डे। एज वी नो दैट इन ए मेडिकल प्रोफेशन देर आर थ्री पिलर, वन इज डॉक्टर, अनदर वन इज फार्मासिस्ट एंड थर्ड वन इज नर्स। दिज थ्री पर्सन्स हेल्पिंग ईच अदर टू मेक द हेल्थ प्रोफेशनल इन ए प्रॉपर पोजिशन। विदाउट डॉक्टर्स, विदाउट फार्मासिस्ट एंड विदाउट नर्स, हेल्थ प्रोफेशन इज नथिंग। तो जैसे फार्मासिस्ट डे इस साल का जो हमारा थीम, एवरी ईयर थीम दूसरा दूसरा होता है, दिस ईयर फार्मासी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। फार्मासी पहले जो आयुर्वेदिक के टाइम पे ऐसे था कि वैद्यराज रहते थे, वही खुद डायग्नोसिस करते थे, वही खुद मेडिसिन प्रिपेयर करते थे और वही डिस्पेंस भी करते थे, वही नर्सिंग करते थे, एवरीथिंग वॉज डन बाई इन वन। बट इन आप होम्योपैथी में भी जाओगे तो वहीं पे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, मेडिसिन प्रिपेयर करता है और डिस्पेंस भी करता है। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम जिसको एलियोपैथिक सिस्टम किया जाता है, इसमें बहुत सारे डिवाइडेशन किया गया है, उसमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। और फॉरेन कंट्रीज में तो डॉक्टर इवन मेडिसिन प्रेस लिखते भी नहीं है, वो खाली दवाई डिजीज डायग्नोसिस करके क्या बीमारी हुआ है वही लिखते हैं। बाद में फार्मासिस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वहाँ वो आपको दवाई लिख के दे। फार्मासिस्ट का यही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि दवाई बनाए। और आज जैसे आप लोगों को मालूम है, सस्टेंड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंड रिलीज टैबलेट, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बहुत सारा चीज़ हो गया है। और फार्मासी हर वक्त ऑलवेज ट्रस्टेड बाय द पीपल। सो आप फार्मासिस्ट के पास आइए, मेडिसिन फार्मासिस्ट को दिखा के लीजिए और फार्मासिस्ट ही आपको बता पाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है, कौन सा दवाई लेना है, कौन सा दवाई नहीं लेना है, आपको फार्मासिस्ट बता सकता है। नॉन फार्मासिस्ट कभी भी आपको